आज हम पढ़ेंगे जानवर और उनके घर के बारे में। जानवर यानी एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जैसे हम तो घर में रहते हैं, वैसे ही जानवरों के घरों का क्या नाम है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है घोड़ा। घोड़ा यानी हॉर्स। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल। घोड़ा अस्तबल में रहता है। नेक्स्ट है गाय। गाय कहाँ रहती है? गौशाला। गाय कहाँ रहती है? गौशाला में। भैंस। भैंस यानी बफलो। वो कहाँ रहती है? बाड़े। बाड़े में यानी बाड़ा, जहां वो रहती है इसको हम हिंदी में बाड़ा कहते हैं। बकरी। बकरी का दड़बा। बकरी के घर के नाम को हम हिंदी में दड़बा कहते हैं। चूहा। चूहा बिल में। चूहा बिल में रहता है। मुर्गी। मुर्गी भी दड़बे में ही रहती है। लोमड़ी। लोमड़ी, लोमड़ी के घर को हम मांद कहते हैं। मांद। अगला है शेर। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। शेर हमारा गुफा में रहता है। भेड़। भेड़ भी हमारी दड़बे में ही रहती है। दड़बा। अगला है सांप। सांप तो सबको पता है, वो अपना घर खुद नहीं बनाता है, बल्कि चूहे ने अगर बिल बनाया होता है तो उसमें जाके रहता है, तो सांप भी बिल में ही रहता है। चींटी। चींटी वाल्मीक। वाल्मीक। अगला है हाथी। हाथी कहाँ रहती है? जंगल। बंदर। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पे। बंदर पेड़ पे रहता है। तो ये हो गया हमारा जानवर और उनके घरों का नाम। घोड़ा, घोड़ा हमारा अस्तबल। गाय गौशाला। भैंस बाड़ा। बकरी दड़बा। चूहा बिल। मुर्गी दड़बा। लोमड़ी मांद। शेर गुफा। भेड़ दड़बा। सांप बिल। चींटी वाल्मीक। हाथी जंगल। और बंदर पेड़ पर। ये हो गए हमारे जानवर और उनके घरों का नाम। धन्यवाद।